बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को लू के मरीजों से मिलने के लिए गया स्थित मगध मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी थे। मरीजों और उनके परिजनों से हालचाल लेने के बाद अधिकारियों के साथ उन्होंने वस्तु स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 1000 बेड क्षमता वाले अस्पताल के रूप में विकसित करने के लिए प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो भी मरीज भर्ती हैं उनकी सूक्ष्मता से जांच करें ताकि पता चल सके कि तबीयत कैसे खराब हुई, अन्य बीमारियों के लक्षण तो नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लू से मरने वाले लोगों को जल्द से जल्द सत्यापन करा लें ताकि उनको आपदा से संबंधित अनुदान की राशि शीघ्र मिल सके। मुख्यमंत्री ने लू से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अस्पताल में भर्ती मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कई मरीजों के परिजनों से उन्होंने बात की और हर स्तर पर सहायता का आश्वासन दिया। इससे पहले गया एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के लैंड करने से पहले ही अस्पताल परिसर में तमाम इंतजाम दुरुस्त कर लिए गए थे। पुलिस प्रशासन के अफसरों के साथ अस्पताल के प्रबंधन से जुड़े लोग मुस्तैद थे। अपने सवालों पर सकारात्मक जवाब पाकर मुख्यमंत्री भरसक संतुष्ट दिखे। लू के मरीजों की उचित चिकित्सा और उनके परिजनों की सहायता के साथ मेडिकल कॉलेज में समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खुले में शौच से मुक्ति एवं पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो जाए तो 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगी। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसके लिए लोगों को निरंतर जागरूक करने की आवश्यकता भी है।